नमस्ते दोस्तों, आज हम सातवीं कक्षा की इकाई दूसरी से आठ नंबर की कविता हम चलते सिना तान के इस कविता का अर्थ जान लेंगे। हम चलते सिना तान के इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भाव के विषय में बताया है। हमने पहले ही भाग एक का अर्थ जान लिया है, अब हम भाग दो का अर्थ जान लेंगे। तो चलो, कवि कहते हैं, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे निशान को। निशान का मतलब है झंडा। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सिना तान के। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, दुश्मनों के साथ युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, लेकिन हम हमारे देश के इस निशान को, इस तिरंगे को गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आंच ना आने देंगे। कवि कहते हैं, हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं, इसलिए हम भारत माता के बेटे गर्व से सेना तान कर चलते हैं। कवि आगे कहते हैं, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। वीरत्व का मतलब है वीरता, शूरता। समर का मतलब है युद्ध। हम युद्ध में, लड़ाई में जो वीरता दिखाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव, नगर, घर गाएंगे। हमारे वीरता की गाथाएं, हमारे वीरता की प्रशंसा भारत देश के नगरों नगरों में, गांवों गांवों में, घर घर में गाई जाएंगी। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अनगिन इसका अर्थ है अनगिनत। न जाने कितने लोगों के कंठों में हमारे वीरता के गुणगान गूंजे जाएंगे। इसलिए हम भारत माता के बेटे, हमारे भारत माता मर मिटने के लिए तैयार है,